प्रश्न चार। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, गधे को उसके स्वभाव से मूर्ख समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता और सरलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उसने सीधेपन की दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता की नहीं। प्रश्न पांच। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, निम्न कारणों से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। दोनों बैल जब हल से बांधा जाता तो दोनों की कोशिश रहती कि ज्यादा से ज्यादा वजन मेरी गर्दन पर रहे, दूसरे साथी की गर्दन में नहीं। जब दोनों को भूसा डाल दिया जाता तब दोनों एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह निकाल लेते। प्रश्न छह। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के इस कथन से पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की स्थिति की बात की गई है। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, पुरुष स्त्री को कमजोर समझने की भूल करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। प्रेमचंद स्त्रियों के साथ होने वाले अत्याचार के विरुद्ध है। अतः सभ्य गुणों के प्रतीक हीरा और मोती के माध्यम से लेखक ने पुरुष प्रधान समाज को स्मरण कराया है कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। एक सभ्य समाज एवं नैतिक मानवीय मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए।